हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी विद नितारा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को ये घी का डिब्बा क्यों दिखा रही हूँ। एक्चुअली ये एक ऐसा डिब्बा है जो कि हर एक घर में पाया जाता है, तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम इसको किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं और इसको किस तरह से घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं सबसे पहले वही करूँगी जो कि आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी देखा होगा, मैं इसके ऊपर भी टिश्यू को पेस्ट करूँगी फेविकोल से, ताकि इसमें एक टेक्स्चर आए। ये आप लोगों की मर्जी है कि आप इस पर टिश्यू लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं, बट हाँ, अगर टिश्यू लगाएंगे थोड़ा टेक्स्चर आएगा, और अगर टिश्यू नहीं लगाएंगे सीधा डायरेक्ट पेंट करेंगे तो इसमें टेक्स्चर नहीं आएगा। तो आइए हमारी वीडियो को आप आगे फॉलो कीजिए कि मैं आपको इसको किस तरह से डेकोरेट करना सिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये वही वाला डिब्बा है जो मैंने आपको दिखाया था, देसी घी का डिब्बा। इसके ऊपर मैंने टिश्यू लगाया और टिश्यू लगाने के बाद मैंने इसको पिंक कलर दिया। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर टिश्यू का टेक्सचर किस तरह से निकल के आया है, रफ रफ, जो कि इजीली इस वीडियो में आपको विजिबल होगा। अभी मैंने इस पे पेंट का एक कोट किया है, अगर आप इस पे डबल कोट करेंगे तो जो भी हल्का हल्का स्पॉटिंग है वो विजिबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस डिब्बे को डेकोरेट करने के लिए मैं ये कुछ पत्थरों का इस्तेमाल करूँगी। आप देख सकते हैं ये टोटली इल फिगर्ड स्टोन्स हैं, जो कि आपको कभी भी कहीं पे भी मिल जाएंगे जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो। इनको मैं दो कलर्स में डेकोरेट करूँगी, एक ग्रे एंड येलो में। ऐसे स्टोन्स कहीं भी मिलेंगे आपको। फ्रेंड्स, मेरे ये जो मार्बल्स हैं ये कलर करके एकदम रेडी हैं। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं इनका कैसे इस्तेमाल करने वाली हूँ।
हमारा कलरफुल कंटेनर ऑलमोस्ट रेडी है। इसको आप किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने बच्चों के स्टेशनरी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मैं इसमें किचन की कौन सी यूज़फुल आर्टिकल स्टोर करके रख सकती हूँ। अभी मैं इसमें जैसे हमारे किचन के जितने भी स्पूंस होते हैं, लैडल्स होती हैं, कड़छी होती है, वो सब इसमें आप आराम से रख सकते हैं। और ये क्यूट का क्यूट लगेगा, एक कॉर्नर में आप रखेंगे तो आपका कॉर्नर भी बहुत ही छोटू सा क्यूट कॉर्नर विजिबल होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और हमारी क्रिएटिविटी आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आई बटन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।